इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए, ये जो कथाएं भगवान की हम आप गा रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ कोई है क्या? बताइए अनबे। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं। जो हम आपको सुना रहे हैं ये कथाएं हमारे चित्त को, आपके मन को, आपके चित्त को, हमारे मन को शांत करती है। जब हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हम आनंदित होते हैं। ये कथा क्या है? भगवान आए और भगवान ने रामावतार में यह लीला की। इसमें लिखा है, अंत में निकालो बेटा, सबसे लास्ट में, जो आप परसों सुना रहे थे, किसको किसको सुनाना है कथा। लिखा है, यह न कही सठ ही हठ सी जो मन लाई न सुन हरि हठी को सठी को और जो मन लगाकर भगवान की कथा नहीं सुनता है उनको यह राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। भगवान का, भक्त का, ब्राह्मण का जो विरोधी हो उसको तो कदापि नहीं सुनना, चाहे इंद्र हो जाए। द्विजद्रोही न सुनाए ही कब सुरपति सरेप। देवराज इंद्र के जैसा भी राजपद पा गया हो तब भी भगवान के, भक्तों के, ब्राह्मण के, भागवतों के विरोधी को भगवान की कथा कदापि नहीं सुनानी चाहिए। ऊसर बरसे तृण नहीं जामा। ऊसर में कितने भी उपजाऊ बीज का बपन कर दीजिए तो वो जमेगा ही नहीं, भस्म हो जाएगा। और किसको सुनानी चाहिए, ये बड़ी सुंदर पंक्ति है। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी जिनके सत संगति अति प्यारी। संस्कृति रोग सजीवन मोरी राम कथा गावही श्रुति। संस्कृति रोग सजीवन मोरी राम कथा गावही श्रुति सोरी। आवागमन से मुक्त होने की दवा है भगवान की कथा। जिनकी श्रेष्ठ के चरणों में प्रीति है, जो धर्म तत्व को मानते हैं। अभी किसी ने पूछा ना, धर्म कर्म व्रत कैसे करना, क्या मान्यता है? देखिए, वस्तुतः पूजा पाठ को लोगों ने धर्म मान रखा है। पूजा पाठ कर्म है, कर्मकांड है। धर्म क्या है? जो व्यवहार हम आचरण में चरते हैं वह कर्तव्य जो लिखा है, सात्विक कर्म ही धर्म है।
और चार युग है, कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आप जानते हैं चार युग चलता रहता है, ये क्या है? कलयुग है। ये तो हमारी पंचांग की मान्यता है, ज्योतिष की, परंतु आप समझिए अपने लिए, चारों युग हर समय विद्यमान रहते हैं। कैसे? आज सतयुग भी है, किसके लिए? जो सच्चा आदमी है। त्रेता भी है, किसके लिए? जो यज्ञ कर रहा है। द्वापर भी है, किसके लिए? जो पूजन कर रहा है। और कलयुग भी है, जो दान कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है। जिस प्रकार पांच तत्वों का क्षिति, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इनका कभी लोप नहीं होता, सब में सब रहते हैं। जल में वायु है, वायु में अग्नि है, अग्नि में आकाश है, आकाश में गंध है, ये कभी सब में सब है, पांचों में पांचों तत्व हैं। उसी प्रकार कलयुग में सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। द्वापर में कलयुग है, त्रेता है, सतयुग है। सतयुग में त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। कैसे? सतयुग में हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप हुए, त्रेता में रावण, कुंभकर्ण उनका परिवार हुआ, द्वापर में शिशुपाल, कंस, जरासंध आदि हुए, और कलयुग में आपको पता ही है आर कंपनी, डी कंपनी, के कंपनी, दुनिया भर की कंपनियां घूम रही हैं। ये क्या है? एक महापुरुष दक्षिण के विद्वान हैं, वो कहते हैं उसके लिए कलयुग है, जो सदाचारी है उसके लिए सतयुग है, यज्ञ करता है, भजन करता है उसके लिए त्रेता है और द्वापर है। किसी युग में किसी युग का लोप नहीं होता, हर युग में हर बात बनी रहती है। हम कहाँ जी रहे हैं वैसा ही हमको समाज का दर्शन होता है। आप सदाचारी हैं, सदाचारी समाज है। आप सदाचारी नहीं हैं तो आपको अपना समाज अलग से निर्माण हो जाएगा। हर समय हर व्यवहार उपस्थित रहता है। अब ये बात अलग है कि आप किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेगा साहब, नहीं तो सब छूटेगा, कोई लेके नहीं ले जाएगा। क्रमाण में परमार्थ हो, परमार्थ होगा आप आनंद में रहेंगे। परमार्थ नहीं करेंगे तो अगली बार के लिए मिलेगा नहीं। ये प्रमाण है, सब तरह प्रमाण है। और जो करना चाहिए यह मानकर कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं है, सब भगवान के लिए है। जीव अपने लिए कुछ नहीं करता, भगवान बुद्धि से जब हम करेंगे तो हमारा सुरक्षित होता है। मंदिर में चूनाकली भी हम कहीं करवाएंगे ना तो वो परमार्थ है। क्यों? भगवान के मंदिर में, अपने घर वाला तो अपना ही है, वो हमारा परमार्थ है। एक स्कंद पुराण से मैंने बहुत पहले नोट बना दिया, एक घंटे का कोई प्रवचन था, लिखा है स्कंद पुराण में, श्रेष्ठ धर्मशील मनुष्य को अपने धन को पांच भागों में बांट लेना चाहिए। अचानक इसमें प्राप्त हो गया, कुछ धर्म के लिए, कुछ अपनी कीर्ति के लिए, यश के लिए, कुछ संसार के सुख भोग के लिए, कुछ स्वजनों के हित के लिए, भाई, भतीजा, बुआ, फूफा, बेटी, जामाता, भांजा, मोहल्ला, परिवार, कुछ इनके लिए, कुछ अपना जो धन है उसको बढ़ाने के लिए व्यय करना चाहिए, जो आपके आपद काल में आपका सहयोगी होता है, समझदार व्यक्ति को। वही मनुष्य लोक और परलोक में सुख का अधिकारी होता है, जो अपने संपदा को इन पांच प्रकार से बांट करके संसार में जीता है। डॉक्टर साहब कहाँ है? वैद्य जी हमारे आए सामने बैठे, सॉरी, क्षमा करें। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे प्रातःकाल ही बैठे थे ना चाय पर, हाँ, ये यही है। करोड़ों का आदमी फेल हो गया, इसका मतलब वो आदमी करोड़ों का नहीं, फेल आदमी है। लाखपति फेल होता है, अरबपति कैसे फेल हो गया? अब वो कौन एयरलाइन है ना, वो कौन सी एयरलाइन से जो है, कौनो होए,
तो मैं तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं चल, नाम हम नहीं लेता किसी, मैं तो बहुत चलता था उससे, मैं बोलता ही नहीं, क्या मतलब है, क्यों आप। लेकिन आप देखिए, जब धन का केवल आप सुख में उपभोग करेंगे तो आपका विनाश तो होना ही है साहब, चाहे हम हो चाहे आप हो। धन आया तो इस पांच प्रकार से बांटिए, धर्म के लिए, यश के लिए, स्वजनों के लिए, सुख के लिए, और जो धन आया उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, जो अंतिम बात कह रहे थे। केवल हम व्यापार ही करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, क्यों, भगवान न करे व्यापार करते मान लो एक बार आग ही लग गई तो सब खत्म हो गया, लेनदारी तो कोई देगा नहीं, देनदारी सिर पर चढ़ जाएगी, समाप्त हो जाएंगे हम। इसलिए समझदार व्यक्ति को इन पांच प्रकार से चलना चाहिए। रामचरित्र में आप दर्शन करेंगे, भगवान अयोध्या से गए, देखना बेटा खींच रहा, लेकिन अयोध्या की सेना लेकर संसार में वही सफल होता है जो घर से लेकर व्यापार नहीं करता है, और जो घर से खर्चा लेकर व्यापार करता है वो खर्चा करते करते वापस फिर घर आ जाता है। संघर्षो, संघर्ष करो, तपो, जूझो, बूझो, फिर सफल हो जाओ। राम जी का ये रामत्व है माय बाप। राम जी ने अयोध्या की सेना नहीं, अयोध्या का कोष नहीं, क्या किया, कोष सुग्रीव का, सेना किसकी, सुग्रीव। समझदार कौन है, घर से लेकर व्यापार नहीं करता है, दूसरे के व्यापार से व्यापार करके व्यापार करता है, संघर्ष करता है, वही सफल होता है। घर से मंगा मंगा खर्चा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी साहब। पहले हम लोग कथा करते थे, कोई आता नहीं था, आप लोग तो बहुत हैं, चार पांच दिन तक पांच लोग भी नहीं होते थे, हमारे तीन चार लोग होते थे, हाँ बुलाते नहीं थे, सुन सुन करके हॉर्न लगता था, सुन सुनकर भगवान अपने आप कहते थे जाओ जाओ भगत आया कुछ गा रहा है सुनो, धीरे धीरे बढ़ती, धीरे धीरे। जीवन में साफल्य यही है कि हम संघर्ष करें, लेकिन सावधान, चलने के लिए कुछ सामान इकट्ठा होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।